हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोगों के साथ अपना किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरा सौंफ का डब्बा रखा हुआ है। उसके बाद गुलाब जल की बॉटल रखी हुई है, ये अजवाइन अर्क है, और उसके पीछे एप्पल साइडर विनेगर है दोनों बॉटलों में। उसके बाद मैं किचन में पैन भी ज़रूर रखती हूँ चीज़ों को नोट करने के लिए। उसके बाद मैंने सुबह में गर्म पानी नींबू और शहद लेती हूँ, तो शहद की बॉटलें जो खाली हुई हैं उन्हें मैंने यूज़ कर लिया है। सभी बॉटलें एक जैसी हैं और सभी बॉटलों में अलग अलग चीज़ें रखी है, जैसे सौंफ है, मिश्री है, काली मिर्च है, मेथी दाना है। इन चीज़ों को ढूंढने में हमें दिक्कत आती है, इसलिए मैंने यहाँ इन्हें सामने रखा हुआ है। ये काला नमक है, उसके बाद काली मिर्च, जीरा मन, डाबर च्यवनप्राश और हरी मिर्च का अचार। उसके पीछे मैंने ट्रे रखी हुई है ताकि फटाफट ज़रूरत पड़ने पर यहीं से ले लूँ मैं। उसके बाद ये स्पून्स रखी हुई है और यहीं पर मैंने कैच के मसाले रखे हुए हैं, तुलसी अर्क है, और ये ग्लूकोज है। यहाँ पर 1 कप रखा हुआ है। यहाँ पर जो स्पेस है उसका मैंने यूज़ कर लिया है। इन सब के बाद मैंने यहाँ एक बॉटल में मनी प्लांट लगाया है ताकि इसे देखकर अच्छी फीलिंग आए और हमारा मूड हैप्पी रहे। और एक दिया था पुराना, उसमें मैंने कैंडल रख दी ताकि अगर लाइट जाए तो तुरंत इसे जला लें। इन सब के बाद आता है माइक्रोवेव। यहाँ पर माइक्रोवेव रखा है मैंने, उसके ऊपर मैंने शीट बिछा रखी है। जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो ये शीट निकाल देती हूँ, और इसके ऊपर मैंने मिक्सर ग्राइंडर रखा है। माइक्रोवेव जब यूज़ करती हूँ तो मिक्सर ग्राइंडर को भी नीचे उतार देती हूँ। यहाँ साइड में मैंने बेलन, संडासी, चिमटा, चाकू, लाइटर रखे हैं। माइक्रोवेव के पास ही मैंने यहाँ पर एक ट्रे रखी हुई है, उसमें तेल की केतली रखी है, जो मैं खाना बनाने के लिए तेल यूज़ करती हूँ वो उसमें रखा है। उसके बाद एक छोटी सी मूसल है अदरक कूटने की, और केटली के नीचे ही मैंने पेपर रखा हुआ है ताकि तेल नीचे ट्रे में लगे ना। यहाँ पर मैंने रोटी का टिफिन रखा है। मेरे पास एक पटिया था तो उसे मैंने यूज़ किया है और इसे पेपर से कवर करके रोटी के टिफ़िन का ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये देखिए, इस तरह हम सीधे टिफ़िन को इस पटिए पर रख सकते हैं और दिखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर मेरा गैस है।
और यहाँ बर्तन की रैक रखी हुई है जहाँ पर मैं बर्तन धोने के बाद इसमें रखती हूँ। और सूखने के बाद ही फिर उन्हें जमाती हूँ। फिर यहाँ तांबे के बर्तन रखे हैं जिनमें मैं पानी भर कर रखती हूँ खाना बनाने के लिए, और पीने का पानी भी इनमें भर कर फिर फिल्टर कर देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं तांबे के बर्तनों का पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर ये उषापान किया जाए तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मेरा डिश वॉश रखा है विम बार, और उसमें कटा हुआ नींबू भी रखा है। ज़्यादा चिकनाई वाले बर्तनों में मैं नींबू यूज़ करती हूँ, उससे चिकनाई अच्छे से साफ़ हो जाती है और बर्तनों में से खुशबू भी अच्छी आती है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।